मध्य प्रदेश को उत्तर प्रदेश से जोड़ने वाला पुल क्षतिग्रस्त, आवागमन में परेशानी तो वहीं दबंगों के द्वारा अवैध वसूली जारी। भिंड शहर से 22 किलोमीटर की दूरी पर चमन नदी पर बना पुल क्षतिग्रस्त होने की वजह से बड़े वाहनों का आवागमन बंद कर दिया गया है। इससे आम आदमी को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चंबल नदी का पुल मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा को जोड़ता है। चंबल पुल ओवरलोड वाहनों की वजह से बार बार क्षतिग्रस्त हो रहा है। तो वहीं भिंड कलेक्टर एवं उत्तर प्रदेश के इटावा कलेक्टर के द्वारा आवागमन के लिए रूट चेंज किए गए हैं। सूत्रों की माने तो भिंड जिले के कनावर गांव में दबंगों के द्वारा बड़े वाहनों पर अवैध वसूली भी जारी है। इसमें पांडरी एवं टेहन गुर रोड पर भी ट्रैफिक बढ़ा है, जो कि सिंगल एवं छोटी सड़कें होने की वजह से बार बार जाम जैसी स्थिति बन रही है। तो वहीं दो पहिया एवं चार पहिया वाहनों को खासी परेशानी आ रही है। आज की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।